रिकैप कि हमने किया क्या था इसके अंदर। सप्लाई इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिमांड। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक मैंने आपको बताया था, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर और द सेलर विलिंग टू सेल और विलिंग टू सप्लाई इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे डिमांड में होता था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो सप्लाई में हमारा होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट इज नोन एज सप्लाई। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। सप्लाई और स्टॉक, स्टॉक होता है टोटल क्वांटिटी विच द सेलर हैज। फॉर एग्जांपल मेरे गोडाउन में 1000 kg गुड्स पड़े हुए हैं, तो मैंने बोला अभी मैं उसमें से 600 kg ऑफर करना चाहता हूँ, मैं सारे नहीं बेचना चाहता। तो 1000 kg इज द स्टॉक एंड 600 kg इज द सप्लाई, क्योंकि जो मैं अभी बेचना चाहता हूँ या मैं मार्केट में ऑफर करना चाहता हूँ कि सेल कर दूं, तो दैट इज नोन एज सप्लाई। स्टॉक हो गई टोटल क्वांटिटी और सप्लाई कैन बी इक्वल टू स्टॉक। भाई 1000 kg में कहता हूँ सारा का सारा बेचने के लिए तैयार हूँ, तो वो सप्लाई और स्टॉक इस केस में क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन सप्लाई कम भी हो सकता है स्टॉक के, लेकिन स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो मेरे पास पड़े 1000 kg है, मैं कहता हूँ मैं 1500 kg बेच दूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक होता है टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर के पास होती है, और सप्लाई क्या होती है जो वो ऑफर करता है मार्केट में सेल करना। डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन सप्लाई और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे मेरी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा मैं अपने गुड्स की सप्लाई बढ़ा दूंगा। क्यों, जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो इन दैट केस जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने गुड्स की सप्लाई बढ़ा देता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट और व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज गिरेगी तो दूसरी चीज भी गिरेगी, तो वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट। तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब वो कहता है लॉ ऑफ सप्लाई में क्या मतलब हुआ, वही हुआ, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज और वाइस वर्सा। अब जैसे डिमांड में हमारे कुछ पॉइंट थे कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते थे, जैसे वहां होते थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिमिलरली सप्लाई फंक्शन में क्या होता है, सप्लाई फंक्शन पीएन स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पीओ प्राइस ऑफ अदर गुड्स, पीआई प्राइस ऑफ इनपुट, एसटी स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टी स्टैंड फॉर टैक्सेस एंड जी स्टैंड फॉर गोल्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, अभी मैं एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। अब वो कहते हैं सप्लाई कर्व जनरली अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैंने भी आपको उसका आंसर बताया, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे गुड्स की डिमांड, सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्म्स क्या करती है, अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करती है। तो इसलिए वो क्या कहती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में नई फर्म्स भी आ जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो हम भी ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ज्यादा फर्म अगर मार्केट में आएंगी तो उस जैसे प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा फर्म मार्केट में आएंगी तो सप्लाई क्या जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगी। तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये उस दिन मैंने आपको बताया था, अच्छा हमने अदर गुड्स का केस हमने किया हुआ, प्राइस यू कैन से फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब भी अदर देन प्राइस की बात आती है, मतलब प्राइस को छोड़ के, तो हमेशा जब भी प्राइस को छोड़ के की बात आती है तो हम कौन सी शिफ्ट दिखाते हैं, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड। जैसे मूवमेंट अराउंड सप्लाई कब होता है, चेंज इन सप्लाई कब होता है, तो वही वाला पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर तो पहला फैक्टर बोल रहे थे सप्लाई को अफेक्ट करता है गुड, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी, बिकॉज इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मैंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया था। मान लो हम मार्केट में कोई ऐसा गुड बना रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं टमाटोज बेचता हूं मार्केट में, लेकिन पोटैटोज का रेट बढ़ गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ गया, मेरे गुड का प्राइस क्या है, सेम। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, जब मेरे गुड्स का प्राइस बढ़ेगा या सॉरी दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होता है, उस गुड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं भी सोचूंगा ये वाला गुड छोड़ो मैं भी पोटैटो सप्लाई करने शुरू कर देता हूँ। तो इसमें जनरली क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जब दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उस गुड्स की सप्लाई बढ़ेगी और मेरे गुड्स की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम।
तो इसलिए ये लेफ्ट वर्चस्व दिखाता है। देखो ये रहा लेफ्ट वर्चस्व, ये रहा लेफ्ट वर्चस्व। लेकिन दूसरे गुट का प्राइस गिर गया, मेरे गुट का प्राइस अभी भी ज्यादा है, मतलब सेम है। जैसे लेट्स से मैं अभी कह रहा था कि लेट्स से वीट, मैं वीट सप्लाई करता हूँ, वीट का रेट सेम है और राइस के रेट गिर गए, तो वो क्या करेंगे, जो सेलर्स राइस सप्लाई करते थे वो भी क्या कहेंगे कि हम भी वीट सप्लाई करते हैं क्योंकि वीट के रेट स्टेबल है। तो अल्टीमेटली मेरे गुड का प्राइस तो सेम है, लेकिन दूसरे गुड के प्राइस कम होने से मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ गई क्योंकि कुछ और फॉर्म्स आ गई जो मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो इसलिए राइट वर्ड शिफ्ट। तो मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अदर देन प्राइस में क्या होता है, या तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या राइट वर्ड शिफ्ट। अब यहां देखिए प्राइस ऑफ इनपुट बोल रहा है, इनपुट मतलब जैसे फैक्टर कॉस्ट बढ़ गई। अगर मान लो मेरे गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल महंगा हो गया, लेबर ज्यादा पैसे मांग रही है, तो जो मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो अल्टीमेटली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। प्राइस तो सेम है क्योंकि अदर देन प्राइस कर रहे हैं, तो इस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट होने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई और मैं सेलर हूं। जब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मैं मार्केट में सप्लाई भी क्या कर दूंगा, कम, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। सिमिलरली अगर कॉस्ट कम हो गई तो राइट वर्ड शिफ्ट। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है लास्ट वीडियो की, वो मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ जिन लोगों ने अटेंड नहीं की थी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो मैंने आपको बताया जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, तो इसलिए इसके इसमें क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई या बैकवर्ड हो गई तो इस केस में कौन सा शिफ्ट आएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हमारे प्रोडक्ट पर, जब हमारे प्रोडक्ट पर टैक्सेस बढ़ गए तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, अगर हमारे को सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मतलब छूट मिल रही है, कंसेशन मिल रहा है, तो इस केस में सप्लाई का पांच शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। क्योंकि जब सब्सिडी मिली तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और लास्ट हम लोग डिस्कस किया था गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, इसमें मैंने आपको बता दिया गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अगर फर्म का मेन एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर फर्म का मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो हाई प्राइसेस सेट करती है। लेकिन अगर दूसरी फर्म का है कि मुझे मार्केट शेयर, जैसे कोई नई फर्म होती है तो वो कहती है शुरू में प्रॉफिट मत देखो, शुरू में आप देखो तुम्हारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोअर प्राइसेस रखते हैं। तो गोल ऑफ द फर्म भी डिपेंड करता है कि लाइक अगर गोल ऑफ द फर्म में क्या हुआ, अगर हमारा मेन मोटिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मतलब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो, प्रॉफिट होना हो पहले, तो उस केस में क्या होती है, सप्लाई फर्म इंक्रीज कर देती है। लेकिन अगर फर्म कहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो जनरली अपने प्राइसेस को हाई रखना चाहती है, चाहे सप्लाई कमी क्यों ना करे, वो सप्लाई तभी बढ़ाएगी जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन हुआ तो वो सेम प्राइसेस पर भी सप्लाई बढ़ा देगी। सेम प्राइस मतलब भाई प्राइस सेम है हमारे गुड का, लेकिन हमने सप्लाई बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो इस केस में क्या होगा, इट वुड बी राइट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि बढ़ा दिया। ये हमने उस क्लास में डिस्कस किया था। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक चेंज इन सप्लाई और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये डिमांड का भी टॉपिक था, इसमें सिंपल सा पॉइंट ये था कि हमने दो पॉइंट पढ़े थे, एक तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक हमने पढ़ा था शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। हमने डिमांड में पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो सेम पॉइंट है यहाँ पे। हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व के अंदर किसके अंदर किसके कारण चेंज आता है, प्राइस के कारण, चेंज इन प्राइस। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के अंदर किसके अंदर चेंज आता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो वो फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं तो उनके कारण जो चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन एक ही मतलब होता है। जब हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ेगी तो वो क्या होती है, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। सिमिलरली हमारी कमोडिटी का प्राइस गिर गया तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस रिप्रेजेंट्स अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे उसके अंदर से सेम। सिमिलरली इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को हम क्या बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम चेंज इन सप्लाई होता है। तो इसके अंदर चेंज क्यों आता है, बिकॉज फैक्टर्स अदर देन प्राइस,
जैसा भी आपने पढ़ा, मेरे इनपुट की रॉ मेटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई लेफ्ट पर शिफ्ट होगी, मेरी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई तो लेफ्ट पर शिफ्ट होगी, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो राइट पर शिफ्ट होगी। सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनपुट की कॉस्ट कम हो गई तो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए तो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कब के अंदर, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई का बेसिकली फंडा यही होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि अगर सब्सिडीज दे रही है तो हमने ये चेक करना है कि हमारी कॉस्ट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। अगर कम हो रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी का पॉइंट आ जाएगा, अगर जैसे ज्यादा हो रही है तो हमारी बेसिकली क्या है कि हमारी कॉस्ट वगैरह ज्यादा हो रही है तो इस केस में हमारा लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का बेसिकली पॉइंट यही होता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई में बेसिकली क्या होता है कि भाई फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जो भी मैंने पढ़ा था, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, अगर ये तुम्हारे फेवर में चेंज हो रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट, अगर ये तुम्हारे एडवर्स, एडवर्स मतलब तुम्हें उल्टा इफेक्ट आएगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेकिन प्राइस देखिए इस केस में क्या है, सेम, बस शिफ्ट क्या आएगा, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। जब भी राइट वर्ड शिफ्ट आता है हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सिमिलरली इसके अंदर क्या होता है, जब अपवर्ड मूवमेंट जाती है, सॉरी, जब ये अपवर्ड मूवमेंट जाएगी तो ये एक्सपेंशन होता है, ये एक्सटेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट होता है चेंज इन सप्लाई, तो मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये सिमिलरली डिमांड की तरह होता है, वहां पर डाउनवर्ड बनता था, यहां पर अपवर्ड बनेगा। रतीश क्लियर हो गया वाला पॉइंट? हाँ सर। अंश क्लियर होगा कुछ, क्योंकि तुम दोनों लास्ट क्लास में नहीं थे। हाँ सर, डिमांड की तरह ही है, कुछ इसमें है नहीं। अच्छा चलो, एक दो क्वेश्चन मुझे बताओ। रतीश बता, फॉल इन प्राइजेस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स का प्राइस गिर गया तो सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, फैक्टर इनपुट का, फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस वगैरह गिर गया तो पहले बता कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी? सर कॉस्ट बढ़ेगी, इनपुट का प्राइस कम हो गया नहीं सर, गिरेगी। गिरेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी या राइट वर्ड शिफ्ट करेगी? राइट वर्ड, राइट वर्ड। सिमिलरली अंश ये वाला तुम बताओ, राइज अदर कमोडिटीज, अदर कमोडिटीज का प्राइस बढ़ गया। हाँ सर, मैं लेमन सप्लाई करता था, दूसरी सब्जी वाले के रेट बढ़ गए, मेरे वाले रेट सेम है, तो लोग ज्यादा सप्लाई किसकी करेंगे, उस प्रोडक्ट की करेंगे या मेरे प्रोडक्ट की करेंगे? सर आपकी प्रोडक्ट की। पूछ ले दोबारा, राइज इन प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, अदर कमोडिटीज का रेट बढ़ गया तो मेरे गुड्स की सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी? सर आपकी, आपकी प्राइस तो कम ही होगी। नहीं, मेरा प्राइस सेम है, दूसरे का प्राइस बढ़ गया। हाँ, तो किसकी सप्लाई बढ़ेगी और किसकी सप्लाई कम होगी? सर जिनकी प्राइस बढ़ी है उनकी। हाँ, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी कम हो जाएगी, अगर हमारी सप्लाई कम होगी तो हमारा कौन सा शिफ्ट होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, ये वाला पॉइंट सिंपल था। अच्छा, फिर हमने उस दिन जैसे डिमांड में भी हमने पढ़ा हुआ है, इंडिविजुअल सप्लाई का क्या होता है, एक सेलर का, मार्केट सप्लाई का क्या होता है, जब हमने वेरियस इंडिविजुअल सप्लाई का थे हमने सबको कोलैबोरेट कर दिया या हमने सबको प्लस कर दिया तो हमारा क्या बन जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व। तो सिंपल यहाँ चेक कीजिए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व शेड्यूल मतलब क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने बोला डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है, लेकिन मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मान लो दो तीन सेलर हैं,
बी एंड सी। तो ए बी एंड सी में हम क्या करते हैं, बेसिकली सबका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दिया हुआ है, तो हम सब तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें कौन सा सप्लाई कर्व मिल जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व मिल जाएगा। तो सिंपल मतलब होता है मार्केट मीन्स वेन यू आर एग्रीगेटिंग इट, एंड इंडिविजुअल मीन्स वेन यू आर सप्लाइंग। एक इंडिविजुअल सेलर के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल होता है, और जब हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में बेसिकली क्या होता है, सेलर, हम एक इंडिविजुअल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं पॉइंट्स को कि एक इंडिविजुअल सेलर कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन मार्केट में मान लो तीन चार फर्म्स हैं या बहुत सारे सप्लायर होते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तीनों को हमने प्लस किया तो हमें मिल गया मार्केट सप्लाई कर्व। तो जब हम डिमांड में भी बनाते थे तो वी यूज टू फाइंड आउट कि ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जैसे डिमांड का बनाते तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता था, लेकिन जब हम मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे तो दैट इज जनरली अपवर्ड स्लोप है। आप सीधा भी बना सकते हो, थोड़ा कर्व भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि ये हो गया इंडिविजुअल ए बी सी का। मार्केट में जनरली क्या होता है, तीनों को प्लस किया ये थोड़ा फ्लैटर बनता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था पहले भी कि देखो यहां पर गैप थोड़ा कम है लेकिन यहां पर गैप थोड़ा वाइडर हो गया। इसका रीजन क्या होता है कि मार्केट में जरा सा रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, और वैसे भी बहुत सारे सप्लायर होते हैं। जब बहुत सारे सप्लायर होंगे तो मार्केट में जो सप्लाई का जो चेंज आता है वो क्या आता है, थोड़ा ज्यादा आता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा क्या बनता है, ये थोड़े से स्टीपर होते हैं, स्टीपर मतलब ओरिजिन के पास, और मार्केट सप्लाई का क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैटर, फ्लैटर मतलब थोड़ा बाहर की तरफ होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है, मार्केट में इन तीन के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जिसके कारण वो सप्लाई को बहुत मतलब रैपिड पेस से चेंज करते हैं। तो इसीलिए ये राइटवर्ड शिफ्ट में क्या करता है, ये थोड़ा फ्लैटर होता है। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई का, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई का अगर मीनिंग आ जाता है एक मार्क्स में, तो मार्केट सप्लाई का में आप लिखेंगे, इट इज अ टैबलो की जगह आप छोड़ दीजिएगा, मार्केट सप्लाई का मीन्स विच शोज द टोटल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट विच ऑल द प्रोड्यूसर्स जॉइंटली रेडी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। भाई मैंने आपको बताया हुआ है, अगर वो स्केड्यूल होगा तो टेबलो प्रेजेंटेशन आ जाएगा, अगर वो कब हुआ तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। लेकिन अगर सिंपल डिमांड मार्केट सप्लाई पूछते हैं तो मार्केट सप्लाई मींस टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट विच ऑल इट्स प्रोड्यूसर्स जॉइंटली रेडी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। और अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले, मार्केट सप्लाई मींस टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर्स विशिंग टू विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, तो सेम मीनिंग है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। और अगर वो इंडिविजुअल सप्लाई पूछता है तो सिंपल, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर
इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस, तो ये तो नॉर्मल सप्लाई सप्लाई की डेफिनेशन हो गई हमारी. देन अभी इसने बोला राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब एक ही होता है कि सप्लाई कब राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा. जैसे परख कब करेगा राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई, जब इंक्रीज होगी सप्लाई. अरे राइटवर्ड शिफ्ट, हाँ कॉजेज बताओ, कॉजेज पूछ रहा है. अच्छा, जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बिकम्स एडवांस. सेकंड, और इनपुट्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे. ऑल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स. थर्ड, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल डिक्रीज. प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल डिक्रीज, ओके. और डिक्रीज इन टैक्सेस और इंक्रीज इन सब्सिडीज, एक ही मतलब हो गया. वेरी गुड, ठीक है. तो ये अब थ्री कॉजेज लेफ्ट बता रहा है, तो उल्टे कर देने पॉइंट. फैक्टर इनपुट का प्राइस बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गए, राइज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, तो उस केस में सप्लाई कहाँ शिफ्ट करेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी. देन चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दोबारा आ गया. चेंज इन सप्लाई के अंदर क्या होता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, सॉरी हाँ फैक्टर्स अदर देन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो कौन सा हो गया, चेंज इन ड्यू टू प्राइस. तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स कौन से होते थे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. और चेंज इन सप्लाई में कौन से पॉइंट्स होते थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. तो वही दिखाया होगा आपको यहाँ पे. तो देखो एक्सपेंशन इन्होंने अपवर्ड कर दिया और राइटवर्ड कर दिया. क्या नाम है, मनन? यस सर. मनन मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में मुझे तीन डिफरेंस बता सकते हो, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई. एक्सपेंशन किसका पार्ट होता है सर, प्राइस? नहीं, प्राइस का तो होता है. अच्छा चलो, इन एक्सपेंशन चेंज कम ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, यही पॉइंट है तुम्हारा. और इंक्रीज में क्या होता है, सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, हाँ दोनों केस में सप्लाई बढ़ रही है ना मनन. हाँ हाँ सर. तो एक्सपेंशन में प्राइस बढ़ रहा है इसलिए सप्लाई बढ़ रही है. तो इंक्रीज में किसके कारण सप्लाई बढ़ रही है सर, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स. ओके, तो वो रीजन तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है. फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, सो फैक्टर अदर देन प्राइस. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया. सेकंड डिफरेंस, ये कौन सी मूवमेंट शो करता है, अपवर्ड. और ये राइटवर्ड. राइटवर्ड, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है. थर्ड पॉइंट, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इन दिस देयर इज ओनली वन सप्लाई कर्व एंड देयर विल बी मोर देन वन सप्लाई कर्व, सिंपल पॉइंट. और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो सकता है इसके अंदर, तो ठीक है. तो ये दो तीन पॉइंट हमारे होते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं. अब जैसे इन्होंने सिर्फ पूछा, जैसे इन्होंने तो चेंज इन सप्लाई पूछा है, हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज में डिफरेंस पूछ लिया, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. देन इंक्रीजिंग इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो यही वाला डायग्राम रहेगा. और इसमें फिर आप शेड्यूल बना के दिखा सकते हो. इंक्रीज इन सप्लाई के अंदर देखो क्या है, प्राइस सेम है 555, सप्लाई फिर भी बढ़ रही है. क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, जब भी क्वांटिटी सप्लाइड होगा तो प्राइस आएगा, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है. प्रतीश? हाँ सर. इसका आंसर करियो, चेंजेस इन प्राइस ऑफ अदर गुड इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट. अगर अदर गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारे गुड्स की सप्लाई पे क्या फर्क आएगा. इसमें दो केसेस बनेंगे. मैं कहता हूँ अदर गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो सर हमारी सप्लाई कम हो जाएगी. हाँ, और वाइस वर्सा, ठीक है. इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बोल रहा, दोनों बोल रहा है. तो दोनों बोल रहा है तो हमें दोनों शो करने पड़ेंगे, क्योंकि इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फैक्टर इनपुट का प्राइस बढ़ेगा, तो फैक्टर इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम. तो इसमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाना है बस, ठीक है. देन मार्केट सप्लाई भी आपको बता दिया था. मार्केट सप्लाई क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बोल रहा है.
अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारा कौन सा शिफ्ट आएगा, राइट पर शिफ्ट, ये ओरिजिनल सप्लाई का है, तो ये S1 हो गया। ये तो हो गया सारा पॉइंट। अब आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे ईडी था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ईडी में हम क्या करते थे, डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और डिग्री ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जैसे हम नहीं करते थे ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहां पर क्या होगा ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जहां पर डिमांड था वहां पर प्राइस आ जाएगा। तो एक और चीज, जब हम ईडी का फॉर्मूला यूज करते थे तो हम आगे एक माइनस का साइन लगा के करते थे कि माइनस का साइन है, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन सप्लाई के अंदर हमारा माइनस का साइन नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो हम आगे वो माइनस का साइन ऑटोमेटिक दिखाते थे, वो नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर, सप्लाई और प्राइस के अंदर कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, तो इसके अंदर हमें माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आपको ये बताना है कि सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। जैसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिक का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, जो चेंज हो सकती है। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, इफ द नेचर ऑफ द कमोडिटी इज ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मीन विच कैन बी स्टोर्ड, जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो उनकी सप्लाई हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बाद में भी ले सकते हैं, क्या उसको खरीद के रख सकते हैं, तो इनकी इलास्टिक सप्लाई होती है। लेकिन सर, सर ये आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद है क्या? नहीं, मैंने ऑन की हुई है सर। तो मैं दोबारा ज्वाइन करके आ रहा हूं, समय में आने दी। बाकी सबको दिख रही है ना? हां जी सर, यस सर, दिख रही है। हां सर, आ गया क्या वो? हाँ, 4 बजे टेस्ट लूंगा, प्रिपेयर रहना, इजी टेस्ट है। 4:30 या फिर 4 o'clock? 4 o'clock। अच्छा एक चीज और, जो तुम्हारे अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में गलती हुई थी वो हम कल डिस्कस करेंगे, कहाँ क्या गलती थी वो आपको पास अपनी शीट होंगी, तो आप कल डिस्कस, मैं आंसर डिस्कस करूंगा तब आप देखना। और थ्योरी का पेपर भी इजी है, अच्छा है, उसको ढंग से पढ़ना। तो लेट्स सी, अब देखो नेचर ऑफ द कमोडिटी में सबसे पहले मैं ये बताना है कि इलास्टिक डिमांड होगी या इनइलास्टिक होगी। देखो जो पेरिशेबल नेचर है, पेरिशेबल जो खराब हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी तो उसके इसमें तो इनइलास्टिक डिमांड होती है, क्यों, क्योंकि हम उसकी सप्लाई को बढ़ा और कम नहीं कर सकते। मान लो कल को हम कहते हैं पोटैटोस के रेट मार्केट में कम हो गए, तो उससे पोटैटो की सप्लाई कम नहीं होगी, क्यों, अगर मान लो कोई सेलर है वो कहता है मैं नहीं बेच रहा पोटैटो, मैं तो स्टोर करूंगा, स्टोर करने का फायदा नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा, तो सप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इन इलास्टिक सप्लाई किसकी होती है, जिसके प्राइस बढ़ने या कम होने से, मतलब जैसे कह रहा था कि जिसकी सप्लाई हम कम नहीं कर सकते, चाहे उसके प्राइसेस में चेंज आए, क्यों, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल मतलब अगर तुम नहीं भी बेचोगे तो खराब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है तुम उसको सप्लाई कर दो। मान लो फ्रिज के रेट गिर गए, अब कंपनीज कहती हैं कि हम अभी नहीं रेफ्रिजरेटर सप्लाई कर रहे, हाँ हम रोक सकते हैं, रीजन, क्योंकि वो खराब नहीं होगा, रख भी लेंगे तो 6-8 महीने। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिक सप्लाई होती है, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब जो चेंज नहीं हो सकती, चाहे प्राइस में चेंज आ रहा हो या ना आ रहा हो, बट ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो खराब ही हो जाएगी उससे। तो सेकंड पॉइंट आया टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, शॉर्टर टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन मेक सप्लाई इनइलास्टिक, व्हाइल लॉन्गर पीरियड मेक द सप्लाई इलास्टिक, बिकॉज मोर टाइम इज अवेलेबल टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन। अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है, जो चीज फटाफट बन जाए और जिसको बनाने में कम टाइम लगे, उसकी जनरली डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इनइलास्टिक। लेकिन कोई चीज ऐसी है जो बहुत टाइम लेती है बनने में, तब उसका टाइम ही इतना ज्यादा है, टाइम मतलब इट कैन बी चेंज इन बिटवीन, बीच में चेंज कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन टाइम को, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। मतलब जो चीज कम टाइम में बन जाती है उसकी सप्लाई जनरली हम क्या मानते हैं, इनइलास्टिक। लेकिन कोई चीज ऐसी जैसे गाड़ी है
या जैसे कोई कैपिटल गुड है, फिक्स्ड एसेट है, जिनकी सप्लाई मतलब जो लॉन्ग टर्म चलती है, घर बनेगा बहुत टाइम लगेगा बनने में, तो उनकी सप्लाई थोड़ी सी क्या हो सकती है, इलास्टिक। लेकिन जो शॉर्ट टाइम पीरियड जो फटाफट बन जाती है उनकी, क्योंकि जो जल्दी बन जाती है, आपको पता है जो चीज बड़ी इंस्टेंट बन जाएगी वो चीज महंगी नहीं होती, वो चीज थोड़ी सी क्या होती है, सस्ती। जब वो चीज थोड़ी सस्ती होती है तो उसकी सप्लाई जनरली क्या रहती है, इनइलास्टिक। लेकिन जो कैपिटल गुड होते हैं, जो बड़े बड़े गुड होते हैं, जो उनको सालों लग जाते हैं बनाने में, तो उनकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कल को मान लो कि जैसे भी लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने क्या करा, एसेंशियल गुड तो आपको मिल रहे थे, लेकिन ये जो आप देख रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क, हाउस वर्क, सब रुक गया था। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक सप्लाई है, क्योंकि तो बहुत टाइम रखता है, इंस्टेंटली बनता भी नहीं। तो टाइम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप सिंपल टेक्निक यूज कर रहे हो तो इलास्टिक सप्लाई होगी, इलास्टिक मतलब इट कैन बी चेंज। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज करिए, कॉम्प्लेक्स मतलब हाईली मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करिए, तो उनकी सप्लाई जनरली क्या होती है, इन इलास्टिक। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या बोल रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, गिरेगा, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं मार्कर बनाता हूँ, मेरे मार्कर्स का रेट गिर जाएगा फ्यूचर में, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी सप्लाई, द सप्लाई विल बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जो चेंज हो सकती है, या तो मैं उसको फ्यूचर में उसकी सप्लाई कम कर दूंगा, या मैं अभी मेरे रेट अच्छे हैं तो मैं उसको भी ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में उस मेरे गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अभी सप्लाई को होल्ड कर लेता है और उसको फ्यूचर में सप्लाई करेगा। तो मतलब अभी उसकी सप्लाई इलास्टिक कर देगा और फ्यूचर में उसकी सप्लाई क्या कर देगा, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब फ्यूचर में उसकी सप्लाई इतनी बढ़ा देगा क्योंकि उसके प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। तो बढ़ गए तो कहता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब सप्लाई चेंज होगी, लेते जाओ तुम सामान। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल डिटरमाइनिंग वेदर द कमोडिटी इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी मेथड ये दो होते हैं हमारे पास, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड उन्होंने हटा दिया सिलेबस से, तो हमारे पास बचा से परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड में भी तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ईएस होगा, ईपी गलत लिखा हुआ, ईएस होगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस केस में क्या करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, जैसे हम उसमें पढ़ते थे डिमांड में, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अरे डेल्टा गलत लिखा हुआ, मैं इसको ठीक करके भेज दूंगा, ये डेल्टा नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, जैसे फॉर्मूला करते थे डिमांड का, सेम ही फॉर्मूला है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू वन माइनस क्यू जीरो, और डेल्टा पी क्या होता था, पी वन माइनस पी जीरो। तो वही दो फॉर्मूले हैं जिसके भी आप अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू पहला फॉर्मूला, यहाँ माइनस का साइन नहीं है देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ज्योमेट्रिक मेथड अभी हमने नहीं करना है इसमें।